नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। खूबसूरत समुद्री तटों के लिए फेमस गोवा यानी आज 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस मौके पर गोवा के लोगों को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। वहीं सीएम मनोहर पर्रिकर ने भी ट्विटर के जरिए लोगों को बधाई दी है। तो आइए जानते हैं अपना स्थापना दिवस मना रहे गोवा की कहानी कि आखिर गोवा कैसे आजाद हुआ था। पंद्रह अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो एक राज्य ऐसा भी था जहां के लोग गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर थे। यह राज्य था गोवा, जहां आजादी के 14 साल बाद भी पुर्तगालियों ने कब्जा जमाए रखा था। आखिरकार वो दिन भी आया जब 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के शासन से आजादी मिली। इस दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोवा की इस मुक्ति के लिए भारतीय सेना ने जबरदस्त अभियान चलाया था। इस अभियान में हवाई कार्रवाई की जिम्मेदारी संभाल रहे एयर वाइस मार्शल एयरलिक पिंटो ने गजब का साहस दिखाया था। 2 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के मुक्ति अभियान के ऐलान के बाद गोवा पर वायुसेना ने जबरदस्त गोलाबारी की, जिसका परिणाम यह हुआ कि पुर्तगाली सरेंडर को तैयार हो गए और 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डी सिल्वा ने भारत के सामने सरेंडर के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी के साथ इस तरह गोवा आजाद भारत का अभिन्न अंग बन गया था। जिसके बाद गोवा में चुनाव कराए गए और फिर 20 दिसंबर 1962 को इस राज्य को दयानंद भंडारकर के रूप में पहला मुख्यमंत्री मिला। एक समय गोवा को उसके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में विलय करने की भी बात चली थी, जिसको लेकर 1967 में जनमत संग्रह कराया गया और गोवा के लोगों ने वोटिंग के जरिए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहना पसंद किया। 30 मई 1987 को भारत के 25वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।